नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि मीत हुड्डा के साथ में जो साजिश करते हैं, यानी कि गाड़ी का एक तरीका से बोला जाए तो धमाका होने वाला है मीत हुड्डा की गाड़ी में। क्योंकि दोस्तों मीत हुड्डा की गाड़ी में इसलिए धमाका होगा कि इन लोगों ने बहुत ही चालाकी के साथ में जो आए हुए हैं उस बालक के लिए उन्होंने मीत हुड्डा को मारने की कोशिश की है। आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा आज तक किसी के साथ में हार नहीं मानी है, लेकिन दोस्तों मीत हुड्डा के साथ में इसलिए कोशिश की है क्योंकि पहले तो बाबूजी की दवाई के साथ में छेड़खानी की थी और वो जो इंजेक्शन थे वो पूरी दवाई वेस्ट कर दी, ताकि दोस्तों मीत हुड्डा यहाँ से दवाई लेने जा सके और उसके बाद में लगातार टारगेट किया जा सके। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मीत हुड्डा को होने वाला कुछ नहीं है, वो जिंदा ही रहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि अब आखिरकार कहानी में जब मीत हुड्डा ही नहीं होगी तो कहानी में क्या इंटरेस्ट होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मीत हुड्डा आसानी से टूटने वालों में से नहीं है, क्योंकि मीत हुड्डा तो वो शख्सियत है कि जो इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है और कैसे भी कुछ भी बदल सकती है। क्योंकि दोस्तों इस समय मीत हुड्डा के लिए सबसे ज़रूरी जो काम था वो अपना काम को अंजाम देने के लिए हर कोशिश कर चुकी है, और मीत हुड्डा के लिए इस समय ज़रूरी काम ये था कि बाबूजी की दवाई को किसी भी तरीका से स्टोर से लाना, और स्टोर से बाबूजी की दवाई को इसीलिए लाना है ताकि बाबूजी उन इंजेक्शन को लगाकर सही हो जाएं। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने जो चाल खेली है, कुछ लोगों ने, वो बहुत घटिया चाल खेली है। अब एक बार फिर से मीत हुड्डा लगातार एक्शन लेती हुई नज़र आने वाली है उस चाल के खिलाफ भी। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। गाइज थैंक यू सो मच।